इनर व्हील क्लब इकाई शिमला द्वारा प्राथमिक पाठशाला शलाह में वर्षा जल भंडारण टैंक किया स्थापित। राजकीय प्राथमिक पाठशाला शलाह में इनर व्हील क्लब शिमला द्वारा जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए विद्यालय में वर्षा जल भंडारण टैंक स्थापित किया गया। प्लास्टिक से इकोब्रिकस बनाने की शुरुआत की गई। अधिक जानकारी देते हुए पाठशाला प्रभारी प्रदीप कुमार ने कहा कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला शलाह पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण हेतु संवेदनशील बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इस पाठशाला के विद्यार्थी भावी जीवन में भी पर्यावरण प्रेरी के रूप में काम कर सके, इस तरह के गुणों का उनमें विकास करना ही हमारा लक्ष्य है। इसी कड़ी में विद्यालय के आग्रह पर इनर व्हील क्लब की अध्यक्षा डॉक्टर शून्य अलका शर्मा का राजकीय प्राथमिक पाठशाला शलाह में बच्चों व स्टाफ को विशेष सान्निध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने शलाह स्कूल को ग्रीन स्कूल बनाने के हमारे आग्रह को स्वीकार किया और विद्यालय में जल संरक्षण के लिए व्यवस्था करने व विद्यालय विकास के लिए बहुमूल्य वित्तीय सहायता प्रदान की। साथ ही विद्यार्थियों के लिए क्लब की ओर से टी शर्ट्स भी प्रदान की। विद्यालय में सोलर लाइट भी लगाई गई। आज के समय में पर्यावरण संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। प्राथमिक स्तर पर ही विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व एवं आवश्यकता से परिचित करवाकर संवेदनशील बनाया जा सकता है, ताकि वे भविष्य में एक अच्छे पर्यावरण प्रेरी बन सके। डॉक्टर शून्य अलका शर्मा ने पाठशाला में बच्चों की शैक्षणिक एवं सहल शैक्षणिक गतिविधियों की सराहना की और पाठशाला के विकास के लिए भविष्य में भरपूर सहयोग देने की बात की। पाठशाला प्रभारी प्रदीप कुमार ने इनर व्हील क्लब शिमला का पाठशाला के विकास में दिए गए इस योगदान के लिए धन्यवाद किया। नेशन न्यूज के लिए कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। अर्थ केयर में बहुत सारे काम कर रहा है। इसी अर्थ केयर के अपने मिशन को हम आगे चलाते हुए हमने शला एक स्कूल एयरपोर्ट के पास है, प्राइमरी स्कूल है जिसमें 26 बच्चे हैं। वहाँ पर हमने ये ग्रीन स्कूल कंसेप्ट जो है उसे मॉडल करना चाहा। यहाँ पर हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इरेक्ट किया है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है और जो ये वाटर कलेक्ट कर रहे हैं और दे हैव गॉन अ वन स्टेप फर्दर। इन्होंने सिर्फ रेन वाटर कलेक्शन का ही सिस्टम नहीं बनाया है, जो इनके हाथ धोने हैंड वॉश स्टेशन से जो वेस्ट वाटर है वो भी एक इनलेट के जरिए टैंक में जाता है और ये पानी जो है टॉयलेट्स में वाटर्स जो प्लांट्स हैं उनको वाटर करने के काम में आएगा। दूसरा, एक सोलर लाइट जो है, इनके पास एक ग्राउंड है और उस ग्राउंड को, क्योंकि प्राइमरी स्कूल्स में क्या बड़े स्कूल्स में भी चौकीदार नहीं होते हैं, तो सोलर लाइट एक ऐसी प्रोविजन है जो कॉस्ट इफेक्टिव है। सोलर एनर्जी क्लीन होती है, कोई ग्रीन हाउस गैसेस उससे नहीं होती है और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत उसका जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो होता है आफ्टर अ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पर एक सोलर लाइट लगाई है जो कि इनके कैंपस को लाइटन करेगी। जब इनके स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उसमें भी ये ग्राउंड जो है रात के समय भी यूज हो सकता है और इसको जो इसका जो बेनिफिट है वो इन सभी बच्चों को, जब ये खेलते हैं कभी शाम लेट हो गई, इनके टूर्नामेंट्स हैं और ये शाम को भी स्पेशली सर्दियों के मौसम में स्कूल में रिटेन होते हैं तो ये लोग उसका लाइट का फ़ायदा जो है कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे जो हैं इको ब्रिक्स बना रहे हैं। इको ब्रिक्स हैं क्या, प्लास्टिक की बॉटल्स।